तो ये है Samsung Galaxy S21 FE 5G फोन और आप इस डिवाइस को बाय करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि Exynos 2100 वेरिएंट बाय करूं या फिर कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर के Snapdragon वेरिएंट बाय करूं। लेकिन गाइज आपके माइंड में ये डाउट्स आते होंगे कि Snapdragon बाय करेंगे तो क्या वर्थ रहने वाला है या फिर Exynos 2100 वाला वेरिएंट ही बाय करनी चाहिए। तो ये सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हे गाइज, इट्स योर टेक डॉक्टर हियर एंड वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल। सबसे पहले गाइज कि हम लोग अगर कोई भी डिवाइस को बाय करना चाहेंगे और उसी में अगर कंपनी वाले दो वेरिएंट लॉन्च कर दें और जिसमें हमें ये पता चल जाए गाइज कि अच्छा परफॉर्मेंस हमें ये वाला देगा ना कि वो वाला, तो ऐसा ही कुछ Samsung S21 FE के साथ चल रहा है गाइज। कि आप सोच रहे होंगे कि Snapdragon परफॉर्मेंस आपको बेस्ट देने वाली है और Exynos आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिले करने वाली है। लेकिन यहाँ पे सवाल एक और आ जाता है कि आप 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दे करके Snapdragon बाय करोगे तो क्या इतनी भी बड़ी फर्क है दोनों डिवाइस के बीच में जो हमें Snapdragon ही बाय करना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, क्योंकि मैं Exynos वेरिएंट को पिछले 8-9 महीने से यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे परफॉर्मेंस में उतना भी ज़्यादा डिले देखने को मिला जिससे कि आपको Snapdragon वेरिएंट के साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। देखो गाइज, यहाँ पे एक ही मेन क्वेश्चन आ जाता है कि डिवाइस है एक और उसके अंदर में जो चिपसेट लगा है वो लगे हैं दो और दो अलग अलग डिफरेंट कंपनी के। तो यहाँ पे आपको Snapdragon के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे और जानते भी होंगे कि यह काफ़ी तगड़े प्रोसेसर होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क को आसानी से झेल जाते हैं। तो ऐसा कुछ सच में रियलिटी है, मैंने भी बहुत सारी डिवाइस के साथ एक्सपीरियंस किया हूँ जो Snapdragon वाले चिपसेट के साथ आता है, तो ऐसा कुछ एक्चुअल में है गाइज। लेकिन आपको S21 FE में कहाँ पे ये बेस्ट रिजल्ट निकाल के देंगे ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप ये सोचते होंगे कि दोनों डिवाइस में सेम कैमरे यूज किए गए हैं, सेम मेगापिक्सल, सेम लेंस, तो दोनों सेम ही फोटोज निकाल के देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइज, दोनों सेम निकाल के नहीं देंगे। जब आप फोटोज को क्लिक करोगे तो बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइजिंग आपको Snapdragon 888 में मिलेंगे और जो Exynos वाला है वो उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे जिससे आपको फोटो इतना ज़्यादा इन्हांस नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो Exynos वेरिएंट है वो इतना भी गंदा फोटो निकाल के देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं यूज करता हूँ Exynos वेरिएंट पिछले 8-9 महीने से, तो ये काफ़ी तगड़े इमेज निकालते हैं। साथ ही गाइज, हम लोगों के एवरीडे लाइफ में बैटरी कैपेसिटी भी किसी भी डिवाइस के बहुत मायने रखती है, तो ये आपको Snapdragon वेरिएंट में ये फायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि गाइज, ये जो डिवाइस के मदरबोर्ड होता है उसको हीट नहीं होने देता है, क्योंकि जो ये Snapdragon चिपसेट है गाइज ये इन्हीं के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें कोई भी हार्डवर्क कर लो, मल्टीटास्किंग दे दो, ये फिर भी हीट नहीं होंगे। तो अगर हीट नहीं होंगे तो आपको बैटरी ड्रेन होने की भी संभावना बहुत ही कम हो जाती है, तो ये एवरीडे लाइफ में काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। लेकिन वही गाइज, जिन लोगों के पास थोड़ा मोटा बजट का इशू है तो वो Exynos के साथ जाना चाहेंगे, तो क्या उन्हें वो बाय करना चाहिए? क्या वहां पे बैटरी ड्रेन बहुत हद तक मिलती है जिससे आप इसको बाय करना नहीं चाहेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं गाइज, अगर आप इसमें मल्टीटास्किंग नहीं करते हो, आप हार्डवर्क नहीं करते हो, तो आपको फुल डे बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो गाइज, आपको सिंपली तरीके से अगर जानना है दोनों डिवाइस में क्या कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगे, अगर आपके लिए गेमिंग एडिटिंग, नेक्स्ट लेवल एडिटिंग, ये सारे चीज मायने रखती है, तो आपको SD वेरिएंट के साथ जाना चाहिए ना कि Exynos वेरिएंट के साथ। और Exynos में आपको थोड़ा सा हीटिंग और थोड़ा सा लैगिंग को फेस करना होगा, बाकी ओवरऑल ठीक है। अगर गाइज अदर फीचर्स की बात की जाए, जैसे कि उसका डिस्प्ले भी सेम है, स्टीरियो स्पीकर दोनों में सेम है, बस फर्क यही है गाइज कि आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इनहांस मिलने वाली है Snapdragon 888 के साथ। लेकिन गाइज, हम सभी के लिए एक चीज काफी ज्यादा मायने रखती है, वो है गाइज पैसे। अगर मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ SD वेरिएंट में तो क्या हमें कहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं? तो ये सारे चीज तो मैं बता ही दिया हूँ। साथ ही गाइज, आपको वहां पे एक कलर एक्स्ट्रा भी लेंगे, वो है नेवी ब्लू, तो हो सकता है आपके लिए वो कलर काफी मायने रखते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हो। लेकिन गाइज, आपको ये कब बाय करना चाहिए? तो मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई सेल आए या फिर BBD बिग सेल होता है गाइज फ्लिपकार्ट के, तो वहां पे आपको अंडर 35K में अगर मिल जाए SD वेरिएंट तो वो डेफिनेटली आप बाय कर लो। लेकिन गाइज, अगर आप आजकल बाय करना चाहते हो, किसी भी टाइम में बाय करना चाहते हो और 30K के अंदर में आपको Exynos 2100 वाला भी वेरिएंट मिल जाते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हो, वो भी आपको वर्थ रहने वाले हैं, वहां पे भी आपको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी गाइज आप इन दोनों डिवाइस में से कौन सा बाय करने के बारे में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना, मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको कमेंट पढ़ने के लिए। सो गाइज वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यहाँ पे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी वीडियो आते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।